यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करण और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। सो गाइस, जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा भाई, मैंने पूरा एक डायमंड का फुली एन्चेंटेड आर्मर बनाया था, बट मैंने उसको पूरे मतलब उस एपिसोड में फुल नहीं एन्चेंट करा था, और अब मैंने उसको फुली एन्चेंटेड कर दिया है। ठीक है, और फिलहाल हूँ मैं अपने विलेज में, और आज आपको थोड़ा माइनक्राफ्ट बदला बदला सा लग रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो फिलहाल मैं नीचे उतर जाता हूँ यार। ठीक है, और मैं जरा विलेज में था और थोड़े बहुत एमरल्ड वगैरह भी कलेक्ट कर रहा था, और कुछ तो मैंने अपनी चेस्ट में रख ही दिए हैं घर वाली में, और आपको कुछ और भी दिखाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ रखा था। और यहाँ पे ये बंदा तो है, एक मिनट, इस वाले के पास। तो भाई ये देखो भाई, ये बंदा हमको पूरा डायमंड का आर्मर दे रहा है, 27 एमरल्ड, 16 एमरल्ड, 22 एमरल्ड और 29 एमरल्ड के साथ। भाई साहब, इसको फुली मतलब यहाँ तक पहुँचाने में टाइम तो लगा, बट हाँ अब मतलब डायमंड की जरूरत तो है मेरे को, क्योंकि भाई ब्लॉक वगैरह बनाने में वो मतलब ब्लॉक वगैरह उसके अच्छे लगते हैं, और कहीं लगाने में भी वो मतलब ठीक ही है। ठीक है, फिलहाल भाई आज के एपिसोड में हम जो करने वाले हैं वो है एक फोर्ट्रेस ढूंढने जाएंगे हम नेदर में। और नेदर में जाने से पहले भाई मैं अपना ये आर्मर चेंज करूंगा। ये फिलहाल मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए बना लिया था, क्योंकि भाई अपना जो डायमंड का आर्मर है उसको मैं फिलहाल यूज नहीं करना चाहता था, तो उसी में मैंने उसको थोड़ा सा यूज करा और उसके बाद मैंने उसको फिलहाल के लिए रख दिया है। और यहाँ पे देखो भाई, पिग्स की सभा लगी हुई है। ठीक है, इन्हें बातचीत करने देते हैं। और इधर अपना एक बंदा हो रहा है, एक भाई। अबे यार ये कितने हैं यहाँ पे, तू क्या दे रहा है? अरे हाँ भाई, ये स्लीपिंग एज वाला बंदा, भाई देख लो। इससे मैंने अपनी जो स्वॉर्ड है ना, एक अभी नहीं होगी शायद, अंदर चेस्ट में होगी, और एक मैंने वहां पे भी रखी पड़ी है अपने एक्सपी फार्म में। ठीक है, और ये क्या दे रहा है? ये फ्लेम दे रहा है, ये अपनी बो में ऐसा है, एक मिनट। हाँ ये देखो, अपनी बो में लगी है फ्लेम। अबे क्या कर रहा है, धक्का दे के अंदर क्यों जा रहा है, जाने दे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं नेदर में, और नेदर में जाने से पहले भाई मैं अपना पूरा डायमंड का आर्मर पहनने वाला हूँ और अपने सारे टूल्स वगैरह लेने वाला हूँ। और मेन तो मैं देखो, आपको पता ही है कि वहाँ पे हमें फोर्ट्रेस पता नहीं कहाँ पे मिलेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो उससे पहले तो भाई मेरे को जो जो सामान की जरूरत पड़ने वाली है नेदर में, मैं वो लेने वाला हूँ। फिलहाल 60 मतलब एक स्टैक बना लेता हूँ पहले स्टिक्स का, और यहाँ पे एक स्टैक हो चुका है। बाकी मैं प्लैंक्स रख लेता हूँ, क्या पता मेरे काम आए वहां पे। नहीं यार, वहां तो लावा है, तो लावा में प्लैंक्स की जगह मैं यहाँ से वो लेके चलता हूँ ना, कोबलस्टोन। कोबलस्टोन डर्ट भी ले लेंगे, पर मैं कोबलस्टोन लेके चलता हूँ। कोबलस्टोन बाहर है, वो चेस्ट से मैं निकाल लूंगा। पहले तो भाई अपनी टॉर्चेस बनाई जाए। तो यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं पूरे 64 के 3 स्टैग, ऐसा करते हैं भाई तीनों को ले चलते हैं भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई वो जो अपने फोर्ट्रेस है वो शायद उसका जो साइज है वो एक सफिशियंट नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक साइज नहीं है उसका, वो पता नहीं बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, मतलब बहुत से बंदों को मिला है जो। तो मैं आई थिंक 3 स्टैक ठीक है, और फिलहाल खाना भी मेरे पास थोड़ा कम है, आई थिंक यहाँ पर बड़ा हुआ। हाँ यहाँ पे चेक वगैरह है, ओ ये है, चलो शुक्र है मैंने रखा था, पका नहीं, पकने के लिए रखा था। हाँ इतना खाना तो बहुत है भाई, एप्पल भी है, क्योंकि वाटर बकेट की तो यार मेरे को आई थिंक वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास कुछ बकेट्स हैं, मैं इनमें से 5 बकेट्स ले चलता हूँ। ठीक है, और इनको मैं वहाँ पे लगा कर मतलब इनमें मैं लावा भर के लेके आ जाऊँगा, और फिलहाल और किसी चीज़ की मुझको जरूरत नहीं है। और रात हो चुकी है और मैं मिलता हूँ आपको अभी सुबह को। सो गाइस, फिलहाल ना सुबह हो चुकी है, आप देख सकते हो, और ये अपना सूरज कुछ अलग सा लग रहा है आज, है ना। तो प्लीज ये कमेंट करके बताना कि आपको ये मतलब शेडर कैसे लगे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर देना। और आज की वीडियो का लाइक मैं रख देता हूँ 20 लाइक्स, आई होप आप लोग पूरा करवा दोगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे को। तो मैं फिलहाल यहाँ से पहले एक स्टैग बहुत है, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या क्या चीजें मेरे को मिलने वाली है। कोई नहीं, ये देखो भाई, मतलब हॉपर्स में अभी भी रुका पड़ा है, और ये थोड़ी देर में भी भर जाएगी, तो एक स्टैंग आई थिंक बहुत है, जादू का मैं करूंगा भी क्या। और सीधे अब निकलते हैं नेदर की तरफ, और देखते हैं हमें वहां से क्या चीजें मिल सकती हैं, और अपनी भाई स्वॉर्ड वगैरह में शार्पनेस, स्लीपिंग एज, अनब्रेकिंग, फायर एक्सपेक्ट। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, जो मेरी वो वाली स्वॉर्ड है ना,
जिसपे मैंने स्लीपिंग एज लगा रखी है, और लूटिंग थ्री मैं उसको भी ले लेता हूँ, क्योंकि भाई आई थिंक लूटिंग थ्री से मेरे को थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा मिल जाएगा अगर मैं किसी को मारूंगा तो। वो मेरी जो वो है क्या कहते हैं पिकेक्स, पिकेक्स नहीं सॉरी स्वॉर्ड है, वो पड़ी हुई है इस वक्त अपने एक्सपी फार्म में, तो मैं सीधे आपको वहीं पे मिलता हूँ। सो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने एक्सपी फार्म में, और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मतलब पानी लगा दिया है जहाँ से मैं ऊपर से जल्दी नीचे आ सकूँ और यहाँ पे आने से। और ये है भाई वो देखो, लूटिंग थ्री, स्लीपिंग एज, स्माइट फोर सॉरी फाइव एंड अनब्रेकिंग थ्री, ये वाली स्वॉर्ड सही है भाई सच बताऊँगा, तो मैं इसको भी रख लेता हूँ, क्या पता ये मेरे को वहाँ पे काम आ जाए, क्योंकि इसमें भी भाई बहुत कुछ लगा हुआ है। तो पहले तो जरा एक ये देखो भाई कितनी जल्दी मार दे रही आ रही है, और ये देखो, और यहाँ पे अपनी एक्सपी 25 हो गई भाई, और इधर देखो सामान मिलते ही जाते हैं कुछ, तो मैंने भाई इसमें से वो कर दिया ट्रेड, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने अपना सारा कुछ सामान ले लिया, और मैंने 8 गोल्डन एप्पल भी बना लिए भाई, मतलब उसके लिए वो लगते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, इंगेट्स वगैरह नहीं, गोल्डन नगेट्स होते हैं ना, तो उससे इंगेट बनते हैं तो वो लगते हैं, तो मैंने एक खा लिया था, तो मुझे उसमें से ये मिला है ऑब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं ऑब्जॉर्प्शन जो भी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो फिलहाल मैं भाई पूरा रेडी हूँ अपना फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, सो चलते हैं नेदर में और देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। सो गाइस जैसा आप लोग देख सकते हो और ठीक है, तो मेरे को ये तो नहीं, पहले मैं ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे ना ब्लॉक्स लगा के थोड़ा ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले कोऑर्डिनेट्स देखने वाला हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, और फिर यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी तो लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ कहीं पे हो गया और फिर मैं वापस ना आ पाया, तो फिर यार मेरे को बनाना पड़ेगा पोर्टल, और पोर्टल बनाने के लिए मेरे को चाहिए होंगे ऑब्सीडियन, और अगर वो मेरे को ना मिले तो ठीक है। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि मैं एक बार अपने कोऑर्डिनेट्स देख लेता हूँ। सो भाई अपने जो कोऑर्डिनेट्स है वो है इस वक्त 40 और -72, एक बार मैं इनको नोट कर लेता हूँ। सो गाइज फिलहाल मैंने अपने जो कोऑर्डिनेट्स है वो नोट कर लिए हैं, तो अब मुझे नहीं पता भाई मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। और एक काम और भाई, मुझे ना जो ये शेडर लगा रखे हैं इसमें कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है, आपको तो थोड़ा बहुत दिख जाएगा बट फिलहाल मेरे को कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है, तो मैं इनको हटा देता हूँ। चलो अब ठीक है, तो फिलहाल मैं पूरा रेडी अब बोर्ड करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो अपने कोऑर्डिनेट्स देखे वो है 40, और मेरे को ढूंढना है अभी अपना फोर्ट्रेस, तो कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक मिनट यार यहाँ पे ये बंदे हैं, वैसे तो मेरे को मारेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास गोल्डन बूट्स हैं, तो जिस डायरेक्शन में मैं वो ढूंढने गया था ना कॉर्ड्स, पार्कोर हो जाएगा, तो मैं उसी डायरेक्शन में जाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड है वो लूटिंग थ्री, तो फिलहाल मेरे को भाई टॉर्चेज मैंने इसलिए लिए हैं इतनी सारी जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि भाई मेरा जो पोर्टल है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं यहाँ, मुझे लगा भाई वो पिग आ रहा है, तो यहीं से मैं कहीं पार किया था, एक मिनट, ये वो डायरेक्शन है जहाँ से मैं पार हुआ था, है तो नहीं ना कोई आसपास, भाई देख के चलना पड़ता है, पता चले भाई कोई आके मेरे को पेल दे इतनी देर में, ठीक है। तो फिलहाल मैं से यहाँ से नीचे नहीं, नीचे नहीं उतर पाऊंगा, मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बंद है। चलो मेरे को थोड़े और ब्लॉक्स मिल गए, और फिलहाल मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कैसे भी तरह, भाई मुझे नहीं पता कि फोर्ट्रेस मुझे कहाँ पे मिलेगा, बस मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और जिस
डायरेक्शन में मेरे को फोर्ट्रेस मिल जाएगा ना, वो डायरेक्शन अपनी बेस्ट डायरेक्शन होने वाली है अब तक की। और यार गाइस इतना बड़ा नेदर है, मुझे कहाँ पे मिलेगा फोर्ट्रेस? सो एक मिनट यार, मैं ना ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा मैं चेक ही कर लेता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा, तो वैसे ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो सो गाइस मेरे को एक तरीका पता लगा है जिससे हम चीट लगाकर, मतलब जो चीट्स होती है उसको लगाकर पता लगा सकते हैं अपना नेदर कहाँ है। बट यार फिर वो तो एक टाइप की, मतलब वो हो जाएगा ना चीटिंग की, भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। तो फिलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना यार कौन सी डायरेक्शन में जाया जाए, ये तो एक इतना बड़ा पहाड़ है, इसे चीर के पहली साइड निकलेंगे तब भी मैं अपनी उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो यार मैं ऐसा करता हूँ ना, पहले खाना खा लो, अपनी पावर बढ़ाओ। मैं थोड़ी देर ना अच्छे से इस नेदर को खंगालता हूँ, जब मेरे को फोर्ट्रेस मिलेगा मैं आपको तब मिलता हूँ। ठीक है, बस मेरे को दो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा क्या यार, कम से कम 1-1.5 घंटा मेरे को फिलहाल लग ही जाएगा ढूंढने में, क्योंकि भाई ये नहीं मेरे को पता कि मेरे को वो कहाँ पे मिल सकता है, बट मैं कोशिश जरूर करूँगा। सो देखते हैं, जैसे ही मिलेगा फिर मैं आपको बताऊँगा और फिर उसको पूरे को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। ये नीचे कितना गहरा है, ज़्यादा नहीं है, बट यार मुझे ना मेन उनसे बचना है जो यहाँ पे वो रहते हैं। ये आई, वो शायद मिल गया। ओ भाई साहब, वो देख, मैं भयंकर यहाँ बाद में पहुंचता हूँ। ये बंदे यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ ऊपर नीचे आने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ ये भी है, वो देख इसकी भैंस की टांग आंख नाक सिर मुंह पैर सब कुछ। तो गाइस फिलहाल हमने यहाँ पे ना एक वो बना दिया है सीढ़ी, जैसे मैं नीचे उतर सकता हूँ। ओ भाई वहां पे ब्लेज है भाई, और फाइनली हमें नेदर, सॉरी फोर्ट्रेस, नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तू मरेगा साले, एक और पड़ेगा तेरे और तू खत्म, अबे मत जाना। तो मैं वहां गया, कहीं ये मेरे को मार ना दे। भाई अभी एक ब्लेज यहाँ पे घूम रही थी जो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब थी, वो देख उसने मेरे को देख लिया, अब वो शायद मेरे पे वार कर सकती। वो देख, वो देख, वो देख, ये पता था, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। अबे यार चलो कोई बात नहीं। अबे यार मैं शील्ड भी नहीं लेके आया, शेट यार, तभी सोचूं मैं, यार क्या होगा आज, अब मैं तो गया, मुझे लगता है मैं दोबारे मरूंगा। सो गाइस आपको बता दूं, मैं एक बार पहले, मतलब इसी एपिसोड में मर चुका हूँ, जब मैं वो कर रहा था फोर्ट्रेस ढूंढ रहा था, बट अब मेरे को जब मिल चुका है तो अब मुझे लगता है मैं दोबारे भी मर सकता हूँ। तो यार मैं क्या करता हूँ, एक शील्ड की जरूरत है यार मेरे को, तो मैं पहले ऐसा करता हूँ ना, मैं शील्ड लेके आता हूँ भाई, बिना शील्ड के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मेरे को तो अब पता लग गया है कि भाई अपना ये जो रास्ता है ये कहाँ से है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने अरे नेदर फोर्ट्रेस पे। ओ भाई सोहाब, मुझे इनसे खोल के नीचे जाना पड़ेगा। गाइस मैं इसके अंदर तो आ चुका हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं सही इसके अंदर था या मैंने क्या करा। फिलहाल तो मैंने वहां से छलांग लगा दी है और मुझे यहाँ पे एक वो लगाना पड़ेगा जिससे मुझे पता रहे कि हाँ ये वो जगह है। ठीक है, तो गाइस मैं फिलहाल बाहर तो आ गया हूँ और नीचे एक रास्ता जा रहा है, मुझे नहीं पता अब मैं, यार ये ओपन सी जगह क्यों लग रही है यार। एक तो वो ब्लेज ने जब मेरे को देखा ना, सबने एक साथ हमला कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल नहीं मुझे पता ब्लेज वगैरह, वो नीचे है।
वो नीचे है भाई, नीचे है। मैं नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। तो फिलहाल गाइस मुझे एक ब्लेज मिल गई। ओ भाई सॉरी, ब्लेज और मिल गई। अब ब्लेज, ओ भाई साहब, नेदर में कसम से यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट मेरे को इधर एक चेस्ट मिली है, ठीक है। इसको भी मैं ज़्यादा देखता हूँ, पहले मैं ऐसा करता हूँ कि आगे बढ़ते हैं। और अब मेरे को तो देखो बेसिकली तो हल्का फुल्का डर लग रहा था ब्लेज। अबे भाई साहब, अभी पागलों की तरह आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैंने अपना हंगर देखा ही नहीं, खत्म हो गया भाई। तो फिलहाल यहाँ तक तो मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और अभी इसको पूरे को एक्सप्लोर करेंगे, और ये जगह मेरे को याद रखनी है भाई कि यहाँ से हमें ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है। गोल्ड मिल गया, वही हॉर्स का आर्मर भी मिल गया, फ्लिंट एंड स्टील भी मिल जाता मेरे को, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या चीज़ है, नेदर वॉल्स। अरे ये तो आई थिंक वही काम की चीज़ है, मतलब जिससे हम पोशन वगैरह बना सकते हैं। तो भाई मैं तो सारे लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सारे उठा लिए। और ये तो आई थिंक वो है, उसको सॉल सोइल आई थिंक ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। भाई साहब क्या डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। यस सॉइल्स हैं, बट मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा भाई। तो नेदर की ब्रिक्स भी मैंने कलेक्ट कर ली, सारी मैंने सॉइल सैंड यहाँ से उठा ली है। यहाँ पे 20 हो चुकी है और 23 मेरे पास नेदर पॉट्स, नेदर वॉट्स, ठीक है। ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है कि भाई मैं इस डायरेक्शन से आया था ना। भाई साहब इतनी खतरनाक आवाज कौन निकाल रहा है। आगे ब्लेज को मैं, एक रास्ता नीचे को जा रहा है, एक रास्ता इधर को जा रहा है। इधर को बाद में जाऊंगा भाई, फिलहाल मैंने यार ब्लेज रोड नहीं देखी अपनी। ब्लेज रोड भाई है, ब्लेज रोड पहुंच गया। यहाँ पे दो रास्ते हैं, दोनों नीचे को जा रहे हैं। हेडशॉट, मेरे को ना यहाँ गाइस उसकी आवाज आ रही है जो एक वेदर स्केलेटन होता है। ओ भाई साहब कितना बड़ा है ये, फिलहाल इधर चलते हैं। ओ भाई यार मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। या कोई तो नहीं है, एक और सैडन मिल गया मेरे को, ये ठीक है भाई, ठीक है। तो फिलहाल गोल्डन एप्पल्स को मैं यहीं पे इसकी जगह जाना यार। मैं ना इतनी सारी टॉर्चेस कहीं ना कहीं लगाते ही जा रहा हूँ,
इतनी नहीं लगानी चाहिए मेरे को, क्योंकि भाई मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आगे एक एक बहुत है, ठीक है। मैंने अभी इधर एक चेस्ट, गोल्ड का आर्मर, एक गोल्ड की स्वॉर्ड, दो स्वॉर्ड होगी भाई गोल्ड की मेरे पास, ठीक है। मेरे पास दो ब्लेज रोड होगी भाई, हर एक बार में मेरे को एक ब्लेज रोड मिली भाई। चलो यहाँ पे एंड हो गया इसका, ठीक है। अब सुअर वगैरह कोई मत आ जाना मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ। अब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ती है, मैंने एक तरफ भी पहनना है अभी नहीं इनको। मैं यहाँ से ऊपर आया था, एक चेस्ट और मिली, मेरे को शुक्र है यहाँ पे विदर स्केलेटन नहीं मिल रहे भाई, जो अभी तक वो मेरी ऐसी की तैसी करवाते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, एक चेस्ट और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है, डायमंड वगैरह मिल जाए। ओ भाई सॉफ सच में मिल गया यार, मेरे पास एक गोल्ड आर्मर है तो एक और ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये उठाओ सारा काम की चीज, ठीक है। एक मिनट इसको रख दो ऊपर फिलहाल के लिए ना, इसको यहाँ रखते हैं, बस सारा खाली करने वाला हूँ इसे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने यहाँ की सारी सॉइल सॉइल उठा ली है, ठीक है। इतनी टॉर्चेस की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैंने इधर भी देख लिया, इधर भी चला गया मैं, मैंने अब मेरे को नीचे जाते हैं। डरना नहीं, अब बैंक की सारा जो भी आया देखी जाएगी अब। ठीक है, जो ड्रेस है उसको मैंने वो कर दिया है अच्छे से, ठीक है। अब मेरे को दूसरी साइड क्या है, यहाँ पे पहले थोड़ी सी लाइट है, इधर ये भाई ओपन में खुल चुका है आके अपना जो फोर्ट्रेस है। ब्लेज ने मेरे को देखा पर तो कुछ नहीं खाड़ पाई, तीन बॉस आर्मर मिल गए मेरे को गोल्ड के। बस यार डायमंड का भी दे दो यार एक आधा,
यहाँ पे भी इतना कुछ था नहीं। सो गाइस फिलहाल मेरे को यहाँ पे इनको मारते मारते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है, और मैंने सोचा कि अब मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। अब ब्लेज रोड भी आप लोग मेरे पास देख सकते हो भाई, 35 हो चुकी है, तो आई थिंक इतनी ज़्यादा की मेरे को अभी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ एंड में जाने के लिए आई थिंक एक बार मेरे को घर जाके चेकआउट करना पड़ेगा। अभी मेरे को पता नहीं है कितनी लगेंगी, बट फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास बकेट है, मैं जो को लावा भी चाहिए होगा यार, तो मैं लावा भी जाते समय कहीं से उठा लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा था कि ना अब यहाँ से निकला जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब यहाँ पर रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो देखो ब्लेज ने मेरे को देखा, भाई नीचे हो जा नीचे हो जा नीचे। ओ भाई साहब, वैसे मेरे पास यहाँ फायर प्रोटेक्शन है, अभी मेरे को इतनी ज़्यादा डैमेज कहीं हुआ नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ से निकला जाए जल्द से जल्द। ठीक है, मेरे को यार एक विदर स्कल चाहिए था, बट वो स्कल गिरा ही नहीं रहा। अब मैं वहां जाके स्कल लूंगा इसकी भैंस की। अबे लग जा, मर गी। उसने ब्लेज रोड भी गिरा दी, और वो आई थिंक ऊपर ही गिरी है। अब मेरे को यहां से निकलना चाहिए जल्द से जल्द। भाई यार ये स्कल क्यों नहीं गिरा रहे? यार मेरे को अभी तक एक भी स्कल नहीं मिला है विदर स्कल जो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ अब यहाँ से निकलते हैं। ओ भाई मैं नीचे गिर गया था अभी, और उधर वो देखो ब्लेज इतनी सारी। अब मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए, तो मैं इधर से आया था और मैं घर जा रहा हूँ वापस। सो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सीधा जाके मैं घर पे मिलता हूँ और देखता हूँ कि भाई तो मैं आ गया था ना। चलो ठीक है, तो गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ नेदर से, और भाई साहब यार मुझे अपने ऊपर मतलब एक थोड़ा सा वो लग रहा है यार। उस वक्त मुझे कुछ खुद नहीं समझ आया था क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम मरा था मुझे खुद नहीं समझ आया था भाई मुझे क्या हुआ। मतलब वो मुझे मार रहे हैं तो मैं इधर उधर भाग रहा हूँ उन्हें मारने के बजाय। गलती से मैंने वो जो वहाँ पे इंगेट्स होते हैं ना गोल्ड के, उन्हें वो कर दिया था। बट अब देखो पूरे स्टैक के स्टैक भर के लेके आ गया वहाँ से, बट जो मेन चीज़ लेके आया वो है ब्लेस रोड, और अभी भी वहाँ पे भाई स्पॉनर हैं, तो मैं और भी लेके आ सकता हूँ बाद में। फिलहाल थोड़ी सी अपनी चेस्ट खाली करी जाए यहाँ पे, एक मिनट। इनको ना थोड़ी ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो यहाँ पे इनके साथ। ठीक है, और इसको भी यहीं रखते हैं क्योंकि ये नेदर का सामान है। इसको यार मैं ना ब्लॉक लगा कर, एक मिनट, इसको यहाँ रखो। गोल्डन एप्पल अपने 4 बज चुके हैं, इसको यहाँ और यहाँ लगाओ। और अपने पास यहाँ पे सिल्क टच वाली की जगह हम यहाँ पे एफिश फॉर्च्यून वाली लगा कर, और अपने पास हो चुके हैं पूरे 41। ठीक है, और तुम गोल्ड के इंगट्स हो तो गोल्ड भी मिला था ना। और ये भाई मेरे को 4 अपने गोल्ड हॉर्स आर्मर, मतलब हॉर्स के आर्मर मिले, और एक मिला था यहाँ पर ये। तो फिलहाल मैं थोड़ा बहुत, और मेरे को 2 सैडन मिले, अभी मैं 1-2 हॉर्स और भी पकड़ सकता हूँ। लेदर की मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास फार्म है। ब्लेज रोड को भी यहीं रख देते हैं, बाकी अपना यहाँ से बूट उतार के इसको यहाँ पहनो, और इन बूट्स को भी यहाँ रख दो। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मेरे पास एक जो बंदा है वो कौन सा बंदा है जिससे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ ब्लेज रोड को। ठीक है, और चा बदल की मेरे को पता नहीं कितनी ची होंगी, उसमें कितनी लगती है। फिलहाल मेरे पास जितने हैं ना मैं सबके ले लेता हूँ। मेरे पास 12 आ चुकी हैं, तो 12 आ गई हैं, ये भी अब दे नहीं रहा है। ठीक है, और अब इसको हमें चेंज करना होगा उसमें। यार ये घोड़ा ना भागने में बहुत जल्दी होता है, इसको यहाँ लगा दो।
और फिलहाल मैं देखता हूँ मेरे पास इधर हो सकती हैं पड़ी हुई, बट नहीं आई थिंक नहीं है, इधर भी नहीं है। तो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी आधी ब्लेज रोड को मैं ब्लेज पाउडर में कन्वर्ट कर देता हूँ, और मेरे पास यहाँ आ चुका है पूरा 38 ब्लेज पाउडर, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे उसकी रेसिपी खुल चुकी है, ये है तो एक से, और यहाँ पे अपने पास पूरी 12 आ चुकी हैं भाई। इससे हम बना सकते हैं एंडर चेस्ट। ओ भाई सब ऑब्सीडियन इतनी तगड़ी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को एक ये चीज देखनी थी भाई, ये चीज कैसे बनती है, कहाँ गया वो? ये ब्लूइंग स्टैंड, अच्छा ब्लेज रोड से बनता है ये। चलो ठीक है भाई। और भाई फिलहाल मेरे पास अभी भी पूरी यहाँ पे बच चुकी हैं 18 ब्लेज रोड, और अपने पास 12 आई ऑफ एंडर हो चुके हैं। मेरे को अभी और लेने होंगे, क्योंकि भाई जो हमें एंड ढूंढने जाना है ना, तो उसके लिए भाई ज़्यादा लगते हैं ये, क्योंकि एक को बार बार फेंकना पड़ता है। और एक बार मैं चेकआउट करूँ कि जो अपना वो है वो कौन सी डायरेक्शन में शो कर रहा है। टूटी हो ना, टूटी हो ना, चलो टूटी नहीं। तो इस वाली डायरेक्शन में है अपना भाई एंड पोर्टल, ठीक है। तो वहां तो जाएंगे भाई लास्ट में, मतलब लास्ट में नहीं, अगले वाले एपिसोड में। सो गाइस आई होप आपको ये वाला छोटा सा फोर्ट्रेस का एपिसोड अच्छा लगा होगा। भाई सच बताओ ना यार, मतलब इतना बुरा लग रहा है कि मैं मर गया भाई वहां पे। मतलब आपको मैं जब वो दिखाऊंगा ना, आप भी बोलोगे यार कर क्या रहा था कि तू वहां पे। मतलब जब वो मेरे को मार रहे थे, मैं उधर से इधर इधर से उधर भाग रहा था, ठीक है। और भाई उन्होंने मेरे को तब इतने में पेल दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा पूरा जो डायमंड का आर्मर था वो पहन लिया, फिर उन्हें मारकर फिर मैंने इसको वापस लिया उनसे। चलो कोई बात नहीं, बट हमें ब्लेज और ब्लेज रोड मिल, ब्लेज पाउडर और ब्लेज रोड मिल चुकी है, जो हम मेन ढूंढने के लिए गए थे। और आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और भाई वो क्लिप मैं लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है, और वहां से आप लोग देख सकते हो। बाय। गाइस ये होता है खात्मा यार, मैंने गलती से गोल्ड उठा लिया, और इन्होंने मेरे को, भाई देखो यार, यार देखो यार, अरे यार, यार मैं कोऑर्डिनेट्स देख के भाई अपनी जगह को भूलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट्स देख के चल रहा था, बट यार गलती से मैंने गोल्ड निकाला और इन्होंने मेरे को पेल डाला।